ये ऑप्शन वन में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे, यहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, यहीं पर एक 6 इंच का पाइपलाइन जिसकी कि लोकल मशीन अवेलेबल है उस पर काम शुरू कर दिया। एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला कि वहाँ एक कैनोपी क्रिएट कर दी जाए जिससे कि वर्कर सेफ हो जाए। को जानकारी है कि सिलक्यारा टनल में एक कॉलेप्स हुआ जिसकी वजह से हम सब लोग, पूरा देश उसको परेशान है। उनकी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसलिए उसके बचाने के हर संभव प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है इस 2 किलोमीटर के। उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो सेफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद करीब 480 मीटर का इलाका भी वहां पे हटाया नहीं गया, और उसके बाद करीब 1.7 किलोमीटर की जो टनल है वो भी उसकी फिनिशिंग स्टेज पर है। क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से यहां पर कोई जमीन का मूवमेंट नहीं देखा गया था, सब जगह लेटेस्ट फ्रेमवर्क लगा के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस पे फाइनल फिनिश करने के लिए, कॉन्क्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे बात होती है। अब हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज हैं, जिस दिन घटना हुई थी उसी समय सारा कॉन्टेक्ट करा गया था कि वॉट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस, तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहां पे हम लोग इस मक के थ्रू एक पाइपलाइन डाल दें 900 mm की। तो वो पाइपलाइन डालने का काम वहीं तत्काल शुरू कराया गया, जो एक उत्तर प्रदेश की जल विकास निगम है उनके पास इसकी एक एग्वर मशीन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मशीन की स्पीड जो थी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने ये हाल के हाल एयरलिफ्ट करके एक अमेरिकन एग्वर मशीन यहां दिल्ली से भेजी। वो मशीन सेटअप हो गई और 20 मीटर तक उसका पाइप अंदर जा चुका था। उस समय पाइप आगे क्यों नहीं जा रहा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या परेशानी आ सकती है। तो उस समय वापस यहां अर्थ में मूवमेंट हुआ, अर्थ के मूवमेंट में क्रैकिंग साउंड्स हुई, तो सारे के सारे मजदूर बाहर आ गए और उसको माना गया कि उसी समय आगे काम कराना थोड़ा अनसेफ है जियोलॉजिकली। तो उसके बाद सारे ऑप्शंस पर तलाशने पर बात शुरू हुई। ये घटना 17 तारीख की थी, तो 17 तारीख के रात के 2 बजे तक जितने भी हमारे देश के एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जितने PSUs हैं जो इस काम को करते हैं, कई बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो इस काम को करती हैं, सबको कॉन्टेक्ट किया गया। और रात के 2 बजे तक बात करने के बाद 5 अलग अलग एजेंसीज को वहां अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भेजा गया। उसके बाद कल वहां पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई,
माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहां से एक जो पुराने पूर्व रिटायर्ड सचिव हैं उनको वहां भेजा गया कोऑर्डिनेशन के लिए, उन्होंने भी एक मीटिंग ली सभी इन ऑर्गेनाइजेशंस के। तो कल वहां पे जो निर्णय हुआ कि पांचों अलग अलग एजेंसी अलग अलग जो ऑप्शंस तलाशे गए थे उस पर एक साथ काम शुरू करें, तो ये आप देखेंगे दूसरी साइड से 480 मीटर या वर्टिकल हम चले इसको सबसे पहले। ये ऑप्शन वन में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे, यहां थोड़ी हाइट ज्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की। तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहां फ्लाई करेंगे मशीन्स को। SJVNL के पास करीब 100 मीटर तक डीप बोर करने की है और उन्होंने काफी रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे पहले किए हुए हैं, तो वो लोगों का काम उनके लिए एयर मशीन, उन्होंने मशीन आइडेंटिफाई कर ली, आज उसको पूना से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है और वो शाम तक उनकी मशीन पहुंचनी चाहिए देहरादून और फिर वहां कल सुबह तक देहरादून से बाय ट्रक वहां पहुंचेगी। ये एक ऑप्शन है, एक ये दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल का। अब ये जो हमारी 4 इंच की पाइपलाइन है उसके अलावा उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए सामान और खाने का बेहतर ढंग से भेजने के लिए यहीं पर एक 6 इंच का पाइपलाइन जिसकी कि लोकल मशीन अवेलेबल है उस पर काम शुरू कर दिया है। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए सड़क बनानी पड़ेगी, सड़क बनाने का काम BRO कर रहे हैं। कल ही जब यह सुबेरे फैसला हुआ शाम तक BRO ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 50% के करीब सड़क रात रात में पूरी कर दी है। उम्मीद है आज शाम तक उनकी सड़क बन जाएगी, उसके बाद ये जो लाइफ लाइन के एडिशनल सपोर्ट के लिए वो काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। इसके बाद ये जो इसका टनल का लेफ्ट हैंड है वहां से एक हॉरिजॉन्टल बोर करने के लिए RVNL को काम कहा गया और ये लाइफ लाइन सपोर्ट का काम RVNL कर रहे हैं ऊपर। तो ये एक माइक्रो टनलिंग मशीन होती है, उसके थ्रू वो 170 मीटर दूर जगह है वहां से वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड अनसेफ इलाका था, हम लोगों ने साथ में सारे इंजीनियर्स के बैठ के कहा कि इसके कोई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला कि वहां एक कैनोपी क्रिएट कर दी जाए जिससे कि वर्कर सेफ हो जाए। आर्मी के लोग भी वहां पहुंच गए हैं और वो वहां पे एक सेफ पैसेज जो प्रीकास्ट कल्वर्ट्स का होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार वो हो जाएगा और ये कैनोपी बन जाएगी तो उसके बाद हम पाइपलाइन का काम पाइप के थ्रू दोबारा शुरू कर देंगे और वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत रिलेटिवली जल्दी सफल हो सकता है, बट दैट वी आर वर्किंग इन अ वेरी डेंजरस जोन, उतना हमने रियलाइज करना है। इसीलिए बाकी ऑप्शंस पे हमने साथ के साथ काम शुरू कर दिया। और ये जो पांचवा सॉल्यूशन है ये बिल्कुल एक और श्योर शॉट सॉल्यूशन है। ये वर्टिकल बोरिंग भी रीजनेबली श्योर सॉल्यूशन है, ये तो सिर्फ मिट्टी कट के, पर ये 480 मीटर है तो इसको काटने में टाइम लगता है, तो वो काम THDCL को दे दिया गया। इस प्रकार से 5 डिफरेंट एजेंसीज को काम दे दिया गया, सभी एजेंसीज के जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट सब लोग मिलकर एक टीम के तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर वंशा भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, हर आदमी ने क्लियर किया है किसी भी कीमत पर मजदूरों की जो प्रेशियस लाइफ है वो बचाई जाए, इसके लिए जो संभव प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जितना जल्दी संभव हो सकेगा इस काम में हम लोगों को सफलता मिलेगी। मैं आप सबसे भी आशा करूंगा कि आप लोगों को, मजदूरों के परिवारों को, लोगों को बताएं कि एंजाइटी ना रखें, समय लग सकता है पर काम अवश्य होगा।